हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ मनोज वर्मा और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप नेक्स्ट लेवल बॉट को जिरोधा के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे एक्टिवेट करते हैं। और आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने बताया है कि बॉट से आप जिरोधा पे कैसे ऑर्डर लगाते हैं और किस किस तरीके से काम कर सकते हैं। और आगे आने वाले टाइम में भी मैं काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी और काफ़ी सारी यूनिक चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, नेक्स्ट लेवल बॉट को एक्टिवेट करने के लिए जो सबसे मेन चीज़ कंपलसरी है वो ये है कि आपके पास क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए और क्रोम ब्राउज़र में आपकी आईडी लॉगिन होनी चाहिए। तो ये कैसे वर्क करेगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले ही से क्रोम ब्राउज़र ऑन कर रखा है और आप यहाँ देखोगे तो मेरी फ़ोटो लगी हुई है, इट्स मीन मैंने इस मेल आईडी से अपनी आईडी लॉगिन कर रखी है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो फ़ोटो लगी इस पर आप क्लिक करोगे तो आपकी मेल आईडी शो होती है। तो इसी मेल आईडी से आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, नहीं तो आपका बॉट एक्टिवेट नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वो क्यों नहीं होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अपनी डिटेल फिलअप करनी है, रजिस्टर क्लिक करना है, आपके पास एक वेरीफाई मेल आएगा। तो आपको वेरीफाई मेल आपके स्पैम बॉक्स में भी मिल सकता है या इनबॉक्स में भी मिल सकता है, आप दोनों में चेक कर लीजिएगा, 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद आपका अकाउंट यहां पर लॉगिन हो जाता है, आप लॉगिन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये जो मेन कंपलसरी था आपको याद रखना है, जो मेल आईडी आपकी यहां है उसी मेल आईडी से आपको इस चीज़ को लॉगिन करना है। ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद बॉट को एक्टिवेट करने के लिए आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये हम वेबसाइट के होम पेज पर जा रहे हैं, ये हम आगे वेबसाइट पे। तो सबसे पहले आप ऊपर एक टैग लाइन देख रहे होंगे, अफिलेटिंग। इसके अंदर क्या है कि आप अगर किसी को ये बॉट रेफरल करते हो और वो बंदा पैड करता है तो आपको 100 रुपीज़ पर यूज़र मिलते हैं। इट्स मीन 20% इनकम आपको मिलती है, क्योंकि बॉट का प्राइस जो है 499 है। इट्स मीन 500 रुपये लगा लो तो आपको 100 रुपीज़ आपको वन टाइम इनकम में मिलते हैं, अगर आपकी आपके रेफरल लिंक से कोई इस बॉट को इस इधर आके रजिस्टर्ड करता है और बॉट को पैड करता है। ये कैसे होगा ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। उसके बाद इन्होंने लिखा है फॉलो दिस स्टेप, मतलब ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं बॉट को एक्टिवेट करने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, आपके पास ट्रेडिंग व्यू अकाउंट होना चाहिए। मैं आपको बता दूँ, ट्रेडिंग व्यू ये एक वेब प्लेटफॉर्म है, टेक्निकल प्लेटफॉर्म है और ये वर्ल्ड का नंबर वन प्लेटफॉर्म है। यहाँ की कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है, यहाँ पर कस्टमाइज इंडिकेटर है, यहाँ पर ऑफिशियल इंडिकेटर है, यहाँ पर आपको हर किस्म के चार्ट मार्केट वगैरह मिलेगी, पर अपनी इंडियन मार्केट में आपको खाली NSE और BSE मार्केट मिलेगी, अदर डाटा आपको नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पर इसको पैड करना है और पैड अकाउंट लेना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जैसे ही मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू पे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ट्रेडिंग व्यू आपका ये रहा। तो इनका जो पैड प्लान है वो $15 के आसपास है, मतलब आपको लगा लो 1000 से 1500 रुपये आपको इनको देने पड़ेंगे पैड अकाउंट के ट्रेडिंग व्यू को। आप साइन अप ज्वाइन फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे और 1 मंथ का ट्रायल भी ले सकते हैं, आप अपना डेबिट कार्ड ऐड करेंगे और 1 मंथ का ट्रायल भी ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको काफ़ी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको अकाउंट ओपन करना है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इन्होंने बताया गया है कि आपके पास कनेक्ट यूअर काइट API, आपके पास काइट API होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, आप उस पे जहाँ क्लिक हेयर लिखा है वहाँ क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको आपका अगर जिरोधा का अकाउंट है, आप उसी मेल आईडी से इसे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन नहीं होगा, आपको पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप बेशक उस मेल आईडी से सेम आईडी से अकाउंट बना सकते हो, अकाउंट बनाने के बाद आप इसे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले आपको यहाँ आके साइन अप करना पड़ेगा, अगर आपके पास डेवलपर काइट आईडी नहीं है तो पहले आप साइन अप कर लीजिएगा। जब साइन अप कर लोगे उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। तो आपको क्या करना है, ये जिरोधा का काइट है और ये API सेल करते हैं, तो आपको मंथली रेंट पे आपको API लेनी पड़ेगी। जो इनका मंथली चार्ज है 2000 रुपये पर मंथ है, आपसे 2000 रुपये लेंगे और ये आपको आपको API देंगे। तो आपको सबसे पहले बिलिंग पे क्लिक करना पड़ेगा, बिलिंग पे क्लिक करने के बाद ये आपको API दे देंगे और फिर उसे एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 4 चीज़ें कॉमन है जो डालनी है, बाकी फिलअप करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है,
कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ ऐप का नाम डालना है, यहाँ पर आपको डालना है नेक्स्ट लेवल बॉट, इधर आपको जरोधा क्लाइंट आईडी डालनी है, इधर आपको डिस्क्रिप्शन में 10-12 वर्ड डालने हैं, जो भी आपका दिल करे वो डाल दीजिए, इधर मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिडायर यूआरएल, तो यहाँ पर आपको एक यूआरएल डालना है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसके अंदर आपको अपनी मेल आईडी डालनी है ये वाली, ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखना जो यहाँ पर मेल आईडी, ये मेल आईडी आपको उसके अंदर डालनी है, अभी मेरी मेल आईडी डली होगी उसको चेंज करके आपको अपनी मेल आईडी डालनी है, जब जाके वर्क करेगा उसके बाद क्रिएट कर देना, जैसे आप क्रिएट कर दोगे तो आपके सामने ये माय ऐप पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का पेज होगा, मैंने पहले से एपीआई जनरेट कर रखी है तो मेरे को इस तरीके का पेज दिख रहा है जिस पे लिखा हुआ एक्टिवेट, मतलब मेरी एपीआई एक्टिवेट है, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो जो लिंक मैं कह रहा था वो लिंक ये होगा, और यहाँ मैंने अपनी मेल आईडी डाल रखी है, इसको आपको चेंज करके अपनी मेल आईडी डालना है और बाकी सारी चीज़ें आप वैसे रखोगे। हाँ, यहाँ स्टेटस आ जाएगा जब आप इसे एक्टिवेट करोगे, तो यहाँ पुश है और एक्टिवेट है, तो इसे एक्टिवेट कर देना, उसके बाद सेव कर देना, ठीक है जी। उसके बाद जो आपकी एपीआई की होती है, एपीआई की आपकी ये दी, और जो सीक्रेट की होती है, आप जब इस पे शो पे क्लिक करोगे तो आपको सीक्रेट की मिल जाएगी, ये दोनों चीज़ों को आपको संभाल के रख लेना, आपके इसी अकाउंट में रहेगी, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो इस तरीके से आपको ये भी अकाउंट एक्टिवेट कर लेना। अच्छा, अब आते हैं हम तीसरी चीज़ पर। अब आपके पास जैसे मैंने बताया कि तीन चीज स्टेप फॉलो करने, हमने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट बना लिया, प्लान ले लिया, उसके बाद काइट की एपीआई ले ली, अब आता है बॉट को लेना। तो बॉट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक हेयर पे क्लिक करके इनके क्रोम एक्सटेंशन पे जाना पड़ेगा, तो ये क्रोम एक्सटेंशन पे जैसे ही आप जाओगे आपको ये बॉट मिल जाएगा। तो मैंने अभी इसे डिलीट कर दिया था, अब आपके सामने ऐड कर रहा हूँ, तो मैं जैसे ही इसे ऐड करूँगा तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, मैंने ऐड टू क्रोम करा है तो ये ऐड हो गया, फिर उसके बाद मैं इसे ये कर देता हूँ, तो ये मेरी मेल आईडी पे ऐड हो गया। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, जो आपकी फ़ोटो में मेल आईडी थी वही मेल आईडी यहाँ पर भी आपको शो हो रही है, उसी मेल आईडी में ये ऐड हो। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा इन फ्यूचर आप अपने पीसी अपने घर से काम करते हो और आप किसी और जगह चले जाते हो, सपोज़ मानो आप किसी साइबर कैफे में चले जाते हो और अपनी मेल आईडी को ओपन करते हो, तो आप के मेल आईडी के अंदर ये एक्सटेंशन ऑन होगा, मतलब क्रोम पे अपनी मेल आईडी लॉगिन करते हो तो आपका एक्सटेंशन ये पहले से ऐड होगा, बार बार आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ हो गई क्लियर। उसके बाद आप इसे ऐड कर लोगे तो अब आपको करना क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। अब आपको दोबारा से इनकी वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर आपको अकाउंट लॉगिन करना है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा, मैं डैशबोर्ड देख देता हूँ, ये मेरा लॉगिन अकाउंट है। तो जैसे ये आपका यूआरएल रेफरल यूआरएल है, जिसे अगर आप किसी को शेयर करते हो और वो अकाउंट रजिस्टर्ड करने के बाद पैड करता है तो आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन ये रहा बैंक डिटेल, यहाँ पर आप अपनी बैंक डिटेल डालोगे, जिससे कि अगर इन फ्यूचर आप ये जब डालना ज़रूरी है, जब आप रेफरल प्रोग्राम कर रहे हो तो आपकी इनकम जो है वो इधर ही आएगी, इसी बैंक अकाउंट में आएगी, अगर आप कहीं और लेना चाहते हो तो आप इनको सपोर्ट कर सकते हो। और नीचे आपको जितने बंदों को आप रेफरल करोगे उसका स्टेटस आएगा कि आपने के जिसने आपके रेफरल लिंक से ज्वाइन करा था उसका क्या नाम है, उनने पैड करा या अनपैड है, और आपको उसकी रेफरल इनकम आई या नहीं आई। मिनिमम 10 रेफरल यूज़र को करते हो तो आपको इनकम आ जाएगी, मिनिमम 5 से 10 रेफरल आप करते हो तो आपको उनकी इनकम ले सकते हो, मतलब कहने का मतलब ये है। अच्छा, उसके बाद यहाँ लिखा API, यहाँ ये मेजर पार्ट है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको वहीं जैसे आपने डेवलपर काइट में डाला था नेक्स्ट लेवल बॉट ऐप का नाम, वही डालना है। इधर आपको अपनी API की डालनी है, आपको पब्लिक की डालनी है। पब्लिक की डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपकी API आपको नीचे दिखेगी, और यहाँ पर ये जैसे ग्रीन कलर का आइकन दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये क्रॉस का आइकन दिखेगा, मैं ग्रीन कर देता हूँ, तो इस तरीके का आइकन दिखेगा। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके इसे ग्रीन कलर का आइकन कर देना, इट मीन कि आपकी API एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये चीज़ क्लियर होगी। फिर से हम डैशबोर्ड पे चलते हैं। जब आप ये चीज़ एक्टिवेट कर लोगे, अभी यहाँ पर मेरे को एक ऑप्शन नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने पैड कर रखा है, यहाँ लिखा होगा गेट रिन्यूअल या गेट पैड, ऐसे कुछ एक ऑप्शन लिखा होगा जिसके अंदर आपको क्लिक करके इनको पैड करना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आप पेमेंट गेटवे पे पहुंच जाओगे, आप इनको जैसे ही पेमेंट करते हो आपका बॉट एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप इन्हें पेमेंट नहीं करोगे तो आपके साथ क्या होगा, मैं आपको बता देता हूं। आपके साथ ये होगा कि जो आपका एक्सटेंशन है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होगा जिसका नाम जिसमें लिखा होगा कि योर गूगल अकाउंट नॉट मैच।
तो वो जब भी हटेगा जब आप इन्हें पैड करोगे, ऑटोमेटिक हट जाएगा। अभी मेरे में रिमूव है क्योंकि मैं पैड कर चुका हूँ, और उसके बाद जब आप पैड कर दोगे आपको वो हट जाएगा। उसके बाद आपके सामने ये जीरोधा लिखा आएगा। तो आपको क्या करना है, रोज़ जब आप ट्रेडिंग करने बैठोगे, अब मैं आपको ये भी, जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो आपको ये भी कंफर्म करना होगा कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया, वर्क कर रहा है बॉट या नहीं कर रहा, तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो यहाँ ये क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा, इट्स बीन कि आपकी API कनेक्ट नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस जीरोधा पे क्लिक करना है। जैसे आप इस जीरोधा पे क्लिक करोगे तो आपके साथ क्या होगा, ये एक पेज ओपन होगा और यहाँ लिखा आएगा सक्सेसफुली, जैसे लिखा आया था, और आपकी API कनेक्ट हो जाएगी अगर आपने वहां पर चेक मार्क पे क्लिक कर रखा था। तो अब आप दोबारा देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ इनेबल लिखा है, इट्स मीन मेरी API कनेक्ट हो गई, और अब मेरा ट्रेडिंग व्यू भी अकाउंट यहाँ पर ओपन है, तो ये भी यहाँ पर इनेबल दिख रहा है। तो दोनों चीज़ें जब हमारी इनेबल होगी, ऑन होगी, तो हमारी ये दिखेगी, अब हमारा बॉट एक्टिवेट हो गया है। तो अब हम कंफर्म कैसे करें कि हमारा बॉट एक्टिवेट हो गया है, तो इसके लिए हम एक कमांड लगा के देख लेते हैं कि हमारा बॉट एक्टिवेट है नहीं। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि जीरोधा पे कोई भी ऑर्डर नहीं लगा हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ और मैं पहले से डिलीट मार दूँ, मैं यहाँ जाता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, और यहाँ पर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी चार्ट ओपन करता हूँ, जैसे कि यस बैंक का चार्ट पहले से ओपन है। और अगर आपको ट्रेडिंग व्यू की बेसिक जानना है तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, बाद में वीडियो डाल दूंगा कि कैसे क्या करा जाता है। आप मेरे को कमेंट में बता देना कि आप ट्रेडिंग व्यू का बेसिक जानना चाहते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करके एक हॉरिजेंटल लाइन लेनी पड़ेगी। मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन ली, उसे ड्रॉ कर दिया, इस पर राइट क्लिक करना पड़ेगा, ऐड अलर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, इधर ये ध्यान रखना है ये ओनली 100, और उसके बाद ये जो टैक्स आए से डिलीट करके सेव क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैं क्रिएट करूँगा उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि एक ग्रीन कलर का आइकन आ जाएगा, और ये सिर्फ लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ कैंडल से, कहीं ये मतलब ऑफ ना हो जाए इंडिकेटर। अब क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक्सटेंशन पे दोबारा क्लिक करना पड़ेगा और हेल्प पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं हेल्प पे क्लिक करूंगा यहाँ कोड आ जाएगा, तो मैं एक ऑर्डर लगा के देख लेता हूँ। आपको क्या करना है कि एक लिमिट ऑर्डर लगाना है चेक करने के लिए, मार्केट ऑर्डर नहीं लगाना, ओनली फॉर लिमिट ऑर्डर। तो मैं यहाँ से एक कोड उठा लेता हूँ, बाय कोड, और ये कॉपी कर लेता हूँ मैं इस तरीके से, और मैं यहाँ पर गया। यहाँ जाने के बाद जो मैंने कमांड बनाई थी वो ये कमांड है, इसमें सेटिंग के आइकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ उस कमांड को पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ मेरे को दो चीज़ें चेंज करनी है। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर ACC के बदले यस बैंक लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ यस बैंक। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो ये ऑर्डर है मार्केट रेट से 2% नीचे लगे, तो मैंने 2 कर दिया और सेव कर दिया। जैसे मैं सेव कर दूंगा यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई आ जाएगी। अब मैं इसे जानबूझ के टच करवाऊंगा, और पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अगर यहाँ आपके कोई कमांड हो तो आप इसे राइट क्लिक करके क्लियर लॉक कर देना, 0 हो जाएगी, कुछ भी शो नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे टच करवाना किसी लाइन से, तो मैं इसको बिल्कुल लाइन के पास ले आया, कैंडल के पास ले आया, और जैसे ये टच होता है तो यहाँ पर एक अलर्ट सा आएगा, तो वो देख लेते हैं। और जैसे कि अभी देख लेते हैं कोई भी ऑर्डर नहीं लगा, तो ये खाली चेक करने का तरीका है कि हमारा एक्टिवेट है नहीं। जैसे ये अलर्ट्स आया, अलर्ट्स आने के बाद मेरा बॉट एक्टिवेट ऑफ हो जाएगी, जो कमांड थी ओनली वंस कर रखी थी वो ऑफ हो गई ऑटोमेटिक। अब हमें इस पे जाना जीरोधा पे, और यहाँ पर रिफ्रेश करके एक बार देख लेता हूँ वो अलर्ट्स आया या नहीं आया। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, एक मिनट, अरे एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया था, आपको जब इस चीज़ को कर लोगे तो आपको, मैं दोबारा से बता देता हूँ, आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर करके ट्रेडिंग व्यू को रिफ्रेश करना है। तो ये मैनुअली रिफ्रेश नहीं करना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, ये हार्ड रिफ्रेश होता है, एक बार ट्रेडिंग व्यू को रिफ्रेश कर लेना, नहीं तो कमांड नहीं वर्क करेगी। तो जब भी आपके कमांड वर्क ना करे आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है। तो अब फिर से हम कमांड को डालते हैं, और मतलब वो इसलिए वर्क नहीं करी थी मैंने जैसे आपको बताया। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कमांड फिर से हमारी ऑन हो गई जैसे हमने इसे करा, और आप दोबारा से कमांड बना सकते हो जैसे आप बनाना चाहते हो, पर मैंने नहीं बनाई। अब मैं दोबारा से इसे टच पे ले जाता हूँ, कैंडल के बिल्कुल पास ले गया और कमांड लेके आने की कोशिश करूँगा, तो ये कमांड आ गई और जो बॉट था वो ऑफ हो गया जो कमांड का था। और हम जाते हैं अब इस पे और यहाँ पर देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं कि ऑर्डर लगा या नहीं लगा। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑर्डर तो लगा था, पर ये बज गए हैं 15:23, इस मीन की मार्केट ऑफ हो गई है,
और रिजेक्ट हो गया मेरा ऑर्डर। तो आपको पता है जब मार्केट बंद हो गई और मैं ऑर्डर लगाऊंगा तो रिजेक्ट होगा, तो इट्स मीन कि बॉट काम कर रहा था। अगर ये मार्केट ऑन होती तो ऑर्डर लग जाता, और पर मार्केट ऑफ है इसलिए ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। तो ये कंफर्म करने का तरीका था कि आपका ऑर्डर लगा है नहीं लगा। अब चलते हैं हम ट्रेडिंग व्यू पे, और ट्रेडिंग व्यू पे हम देखेंगे तो हमारी कमांड ऑफ हो गई। कमांड कैसे लगाते हैं और किस किस तरीके से लगाते हैं इसके ऊपर मैं पहले वीडियो डाल चुका हूँ, और आने वाले टाइम में भी वीडियो डालता रहूँगा। तो मेरे चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए कि कमांड वगैरह कैसे डालते हैं, स्ट्रैटेजी वगैरह कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं तो आप एक्टिवेट कर सकते हैं, अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।